हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी फिल्म तैयार हो गई और कल थिएटर में लग रही है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आपके दिलों को छुएगी उसी तरह जैसे हमारे दिलों को छुई है जैसे जब हमने बनाया है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये कह के कि अद्वैत ने ये फिल्म इतनी बखूबी डायरेक्ट की है। जो हमारे जहन में फिल्म थी वो उसको एग्जैक्टली वैसे बना पाए हैं। एंड इट्स अ फिल्म, आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म अबाउट लव। इट्स अ फिल्म विच स्टैंड्स फॉर लव। आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ आर ब्यूटिफुल इंडियन कल्चर। आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म दैट शोज़ द वर्ल्ड, क्योंकि ये फिल्म पूरे दुनिया में देखी जाएगी और बहुत ही काफ़ी बड़ी रिलीज़ मिल रही है उसको विदेशों में भी। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी फिल्म पेश करेंगे दुनिया को जिसमें कि हम हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाएं, हिंदुस्तान का कल्चर दिखाएं और हमारी सभ्यता दिखाएं। सो आई थिंक दैट ऑन द ईव ऑफ द रिलीज़ ऑफ द फिल्म, कल फिल्म लगने वाली है, हम सबको बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हम अपने ऑडियंस को बहुत उम्मीद के साथ उनके सामने पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कोशिश की है हमें उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी। और बाकी क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम। गुड इवनिंग एवरीवन, क्वाइट अ नर्वस मोमेंट फॉर मी। This has been a really, really special film in my career. Very few films, very few opportunities come and go like this, and this one's been really special. And it's my first Hindi film, so like to thank the entire team, Amir sir, Advait, Kareena ma'am, Kiran, and Ajit. Thank you so much for this opportunity. We've been having a few screenings the last few days, and the kind of response that we've been getting from the audience has been overwhelming. It's so nice to see smiles on everyone's faces. I know the team has been with this film for almost 3-4 years. The kind of patience and determination they had towards it is amazing. So most of all, I'm so happy for them that it's finally out, and yeah, so hoping for the best, and thank you all so much. Thank you for your support. Okay. पहले तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड वी रियली रियली मेड दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ लव। ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत साल लग गए, दो पैंडेमिक आकर गए और अब जब सिनेमाज खुल गए हैं और लोग अब फिल्म देखने को आ रहे हैं तो हम बहुत ही उत्सुक हैं, जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे लगी। बहुत वक्त के बाद हम फिल्म ला रहे हैं आपके पास, आप ऑडियंस को दिखाने, और हमारी उम्मीद ये है कि लोगों को अच्छी लगेगी। वी ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक वायाकॉम एंड पैरामाउंट, ऐसे अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, हर कदम हमारे साथ रहे हैं। अजीत स्पेशली हमारे बिगिनिंग से एंड तक हमारे ही साथ रहे हैं। आई थिंक वायाकॉम को बहुत, उनको बहुत मिस कर रहे होंगे वो आमिर खान प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गए हैं। पर ये फिल्म प्यार से बनी है, आप सब आकर देखें एंड उम्मीद ये है कि आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। आई थिंक तलाश और थ्री इडियट्स के बाद आमिर के साथ काम करने का मौका मिला इन सच अ स्पेशल फिल्म। इतनी खूबसूरत कहानी अतुल जी ने लिखी, जब मैंने नरेशन सुना तो आई कुडंट स्टॉप माई टीयर्स। आई रिमेंबर अद्वैत, यू वर देयर विद मी, एंड आई थिंक इतनी सारी कहानियाँ सुनी मैंने, इतनी सारी फिल्में की, बट आई थिंक पहली बार नरेशन में आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। एंड आई हैव डन दिस फिल्म एक्चुअली इस कहानी के वजह से, इस कैरेक्टर के वजह से, जस्ट द फैक्ट दैट इतनी इंटेंस लव स्टोरी आई थिंक इतने साल बाद आ रही है। आई थिंक आमिर इज़ नॉट ऑल्सो डन अ लव स्टोरी इन अ लॉन्ग टाइम, सो ऑल हिज फैंस एंड ऑल आर फैंस हु आर वेटिंग टू सी अस, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट ट्रीट फॉर देम। ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्यार मिल रहा है, रिव्यूज इतने अच्छे हैं, and we, our fingers are crossed of course, and yeah, it's all yours now, but and I'm quite sure that sabko bahut bahut pasand aayegi film. So thank you so much guys, and
आई थिंक कि आप लोगों का आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए हमें. मैं नॉर्मली बहुत स्ट्रेस होता हूँ रिलीज़ के पहले, किरण जानती है मैं, और इस दफ़ा भी एक महीने से मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ. लेकिन आज मुझे आज मैं सुबह गया था और दरबार साहब गोल्डन टेंपल, और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है कि अब मुझे लगता है कि जैसा होगा ठीक ही होगा. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.